दामाद बोलता है कि भाग गए, लेकिन हम लोग का शक है कि मर्डर होकर दिया है। 3 फरवरी का, 2 फरवरी के रात में 3 तारीख हो गया, 3 फरवरी से थाना में जाते हैं तो वही टहलावा होता है कि पता लगा रहे हैं इसे उसे लंदो फंदो, लेकिन लोग तो लिपा पोती में लगल हैं, लोगों से कागज बैठा दिए हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। वो आयोग बोलते हैं ना कि जितना पेपर आएगा तो हमारे भी ना आएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह बड़ा सवाल है कि बिहार में बेटियां कितनी सुरक्षित है। आज सोमवार है और आज के दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार लगता है। एक फरियादी आए हैं अपनी बेटी की जो मांग को लेकर पहुंचे हैं। इनकी बेटी जो है वो 9 महीने से गुमशुदा है। जुड़ते हैं, बात करते हैं, जानेंगे क्या मामला है। क्या नाम है आपका? मिथिलेश सिंह। क्या मामला क्या है? मामला है वही बच्चे का, दामाद बोलता है कि भाग गए, लेकिन हम लोग का शक है कि मर्डर होकर दिया है। घर खाली था, पूरा क्लियर करके मर्डर कर दिया है, कहता है कि भाग गया। कब से आपकी बेटी गायब है? 3 फरवरी का, 2 फरवरी के रात में 3 तारीख हो गया, 3 फरवरी से 8 से 9 महीना हो गया। हाँ, 9 महीना हो गया। थाना में जाते हैं क्या कहा जाता है? थाना में जाते हैं तो वही टहलावा होता है कि पता लगा रहे हैं इसे उसे लंदो फंदो, लेकिन लोग तो लिपा पोती में लगल है। प्रशासन भी काम नहीं कर? नहीं का प्रशासन। मांगों को लेकर कहाँ गए? अपनी मांगों को लेकर, मांगों को लेकर आए हैं जनता दरबार भी, सचिवालय भी, कामया मिश्रा SP जो है हुआ गांधी मैदान हुआ भी गए हैं, सबरों तो गए हैं, सबरों से कागज बैठा दिए हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। वो आयोग बोलते हैं ना कि जितना पेपर आएगा तो हमारे भी ना आएगा, तो वो तो लिपा पोती में लगल है लोग, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि न्याय मिले। कब से ऐसे ही दर दर भटक रहे हैं? 9 महीना हो गया करीब। 9 महीना। कौन है लड़की? हम लड़की का पिता हैं। जब जाते हैं ससुराल वाले के पास लड़की के, तो वहाँ क्या कहा जाता है? वहाँ गए पहले बार ताकि भाग गए, लेकिन वो बात विचार से तो लगता है कि वो मारे दिया है। भागेगी तो कोई भी इंसान, हमारे घर से कोई भागेगा तो हम खोजेंगे जितने बनेगा उतना, लेकिन ना खोजा ना कुछ किया, चुपचाप बैठा है। 2 बार फोन भी किया ना तो बोलता है कि आप भगा दिए हैं। हम कहे आपके घर से हम अपना बेटी को भगा देंगे, अगर भगाना रहता तो हम घर ही में रख लेते। अली आने गया तो बोलता है ना कि भाग जाएगी तो नहीं रखेगा, तो हम सोचे कि मैटर कहाँ से आ गया, तो बच्चे से पूछे अलग ले जाके, ताकि ना पापा हम भागेंगे नहीं। इसलिए हम कहते कि मर्डर तो मर्डर है, न तो प्रशासन चाहे दामाद हमारा बेटी को हाजिर करे। क्या कहिएगा, नीतीश कुमार के जनता दरबार में आए हैं, अंदर जाने का मौका नहीं मिला नीतीश कुमार से? हाँ, अंदर जाने का मौका नहीं मिला है। अब देखिए मिलता है कि का न्याय चाहिए। नीतीश जी से यही कहते हैं कि हमको न्याय चाहिए, हर अमदी का बेटी बहू है। अब भाई है उनके जी, क्या कुछ कहिएगा सरकार? सरकार से मेरा यही निवेदन है कि मेरी बहन का है जो उसको इंसाफ मिले, अगर भाग गई होगी तो प्रशासन उसको खोजे, और अगर उसका मर्डर हुआ है तो जो उसका इसका सजा का आइडिया है उसको सजा मिलना चाहिए। देखिए गुहार लगा रहे हैं, भाई हैं, पिता हैं, और सीधा सीधा इन्होंने बैनर लेके रखा है, पोस्टर लेके रखा है, और उसमें सीधा लिखा हुआ है पुलिस या राज है खुशी कहाँ है, सवाल उठा रहे हैं, और वहीं लगातार यह मांग कर रहे हैं कि अगर मेरी बेटी का मर्डर हुआ है तो प्रशासन को जो है इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, अगर मेरी बेटी या फिर मेरी बहन भाग गई है तो उसको खोजा जाए और प्रशासन को जो है काम किया जाए। तो वहीं मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आए थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं हो पाई है, लगातार दर भटक रहे हैं, तमाम अधिकारियों के पास गए हैं, लेकिन वहां पर भी कोई सुनवाई नहीं होती। तो फिलहाल क्या कुछ कह रहे थे फरियादी, आपने सुना है, अपनी बेटी के खोज को लेकर जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में पहुंचे थे, वहीं 9 महीने से दर भटक रहे थे। फिलहाल और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।